पहली गल तो इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो उस तो बाद एक सिख नौजवान 23 साल की उम्र है तो वह भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनता है। वड्डी जिम्मेवारी उसके कंधियां ते हुंदी है ते सारिया पूरे देश की निगाह जिहड़ी है इस मैच ते टिकी हुंदी है। तो मैच खत्म हुंदा है, नतीजा यह निकलता है कि भारत हारदी है तो पाकिस्तान की झोली दे विच जित मिलती है। दुबई दे विच मैच सीगा, 18वां ओवर सीगा, तीजी गेंद सीगी ते जड़े रवि बिश्नोई ने उन्होंने वो गेंदबाजी कर रहे होंगे ने, कप्तान रोहित उन्होंने जिम्मा संभालते हैं, सामने क्रिकेटर होंगे ने, बैट्समैन होंगे ने आसिफ अली, तो एक शॉट खेड देंगे, शॉट खेडते हैं, बॉल हवा च जाती है, तो जड़े क्रिकेटर अर्शदीप होंगे ने वो फील्डिंग कर रहे होंगे ने, अचानक उन्होंने हाथ के बॉल आती है पर छुट जाती है, कैच छुट जाता है। पहली तो गल यह है भी कोई भी क्रिकेटर कोई भी जिहड़ा खिडारी है यह गल दसे कि जदों कोई मैच खेडिया जाता है कि किसी तो कदे अज तक कैच जिहड़ा नहीं छुट्टिया, कि किसी तो अज तक कैच नहीं छुट्टिया, जां कि किसी ने मिसफील्ड नहीं किया हैगा, जां एक कैच दे नाल कि मैच हार गया इंडिया, यह भी सवाल है ना। मतलब जिहड़े मैच ने उन्हूं जित हार दे नाल तां खेड भावना दे नाल हुंदे ने जिहड़े मैच, इस नूं भारत पाकिस्तान नाल जोड़ना फिर उसनों खालिस्तान तक कह देना। देखो 150 करोड़ का मुल्क है अपनी जनसंख्या, वो 11 प्लेयर तो आलोचना कौन कर रहे हैं जिन्होंने शायद कदे ना क्रिकेट खेडिया हो, ना उन्होंने बैट फड़न का पता हो, ना उन्होंने बॉलिंग कर पता हो। हुण ये देखो मानसिकता की है भी सिख मुंडा सीगा तो उन्होंने तुम खालिस्तानी कही जाने, इस करके मतलब ये कहण की कोशिश जी अंदरों गलबात यह है भी ये भारत वालों खेडता होया पाकिस्तान का साथ दे रहा है, ये कहना चाहते हैं सोशल मीडिया से जोड़े माड़े लोग ने, माड़ी मानसिकता के लोग ने भी खेडता भारत वालों रहा है पर साथ पाकिस्तान का दे रहा है कि ता उन्हें कैच छड़ता। क्रिकेटर जोड़ा निशाने पर लैके आना, क्योंकि पूरी टीम जो एक टीम जितती है तो पूरी टीम को क्रेडिट दिता जाता है, तो जो हारी है तो सिर्फ एक ही बंदे को क्यों टारगेट करता है। हाँ, देखो तुम ये बहुत वाजिब गल हैगी है कि एक बंदे करके कोई टीम हार सकती है, एक कैच छुट्टन करके कोई टीम हार सकती है, जेडे उस तो बाद दो ओवर गए ने तुसी उन्हां दा देख ही नहीं रहे, आसिफ अली जे खेड रहा सीगा जे उहदा कैच छुट गया, हालांकि बाद दे विच विकट लई भी है अर्शदीप। जिहड़ी जिहड़ा कोई मैच खेडिया जाता है एक खेड भावना नाल खेडिया जाता है, किते भारतीय टीम कदे हारी नहीं हैगी, जां पहली बारी हारी है भारतीय टीम के अज पहली बारी हार गई तो 100 सालों तो जितती आ रही थी, किहड़े देश तो नहीं हारे, जां किहड़े देखो जित भी हुंदी है हार भी हुंदी, जदों तुसीं खेडदे हो तां जे दो मल खाड़े दे विच कहिंदे हुंदे ने तां इक ने तां टैणा ही हुंदा ना, पर इहनूं भारत पाकिस्तान नूं एवें प्रेजेंट करना कि जिवें युद्ध हो रहा होवे, जिवें लड़ाई हो रही होवे, इह दरअसल कई बार TRP गेम्स हुंदियां ने चैनल्स दे थ्रू, मीडिया चैनल्स दे थ्रू, जां कई जथेबंदियों नूं इस तरह सूट करदा है, जां खेड प्रेमियां ते भी की बीतरी होगी कि तुसीं एक तरह के नाल उन्हूं गदार कहण की कोशिश कर रहे हो, तुसीं इनडायरैक्टली उन्हूं गदार कहण की कोशिश कर रहे हो कि खालिस्तानी कहता कि यह भारत तो वक्त हो गया, जिमें भारत के अगेंस्ट हो गया, जिमें पाकिस्तान ना मिल गया, पर अजिहा कुछ भी नहीं, एक जदों तुसीं खेड च हुंदे हो तो अचानक इस तरह की चीज़ां हुंदियां ने। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ शिखा संधीर। एशियाई कप चल रहा है जिस दे विच भारत दे वल्लों भी शानदार प्रदर्शन किया जा रहा है, पर बीते दिन जो मैच भारत ते पाकिस्तान दे विचाले हुंदा है उस तो बाद जिस तरीके दे नाल 23 साल नौजवान अर्शदीप सिंह नूं ट्रोल किया जा रहा है, नफरत जिहड़ी है सोशल मीडिया दे उत्ते इस कदर वध गई है कि लगातार हैशटैग अर्शदीप दे वल्लों जिहड़ा है बेहद नफरत जिहड़ी है फैलाई जा रही है, पर इसे मुद्दे दे उत्ते हुण गलबात करांगे आखिरकार क्यों इस पंजाबी नौजवान नूं सिख हुंदे होए भी जिहड़ा इस तरीके दा रोज़ दा सामना करना पै रहा है, तो क्यों इंज इस दे नाल नफरत फैलाई जा रही है, तो क्यों ट्रोल किया जा रहा है, तो इस पूरे मुद्दे दे उत्ते गलबात करांगे। तो साडे नाल सीनियर पत्रकार रणबीर राणा मौजूद ने, उन्हां दा स्वागत कर दिया, सत श्री अकाल जी, धन्यवाद। पहली गल तां इंडिया पाकिस्तान दा मैच, तो उस तो बाद एक सिख नौजवान
23 साल की उम्र है तो वह भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनता है। वड्डी जिम्मेवारी उसके कंधियां ते हुंदी है ते सारिया पूरे देश की निगाह जिहड़ी है इस मैच ते टिकी हुंदी है ते मैच खत्म हुंदा है, नतीजा यह निकलता है कि भारत हारदी है ते पाकिस्तान की झोली दे विच जित मिलती है। पर जिस तरीके दे नाल अर्शदीप नूं हुण सोशल मीडिया के उत्ते ट्रोल किया जा रहा है, उसनूं कहा जा रहा है कि तू खालिस्तानी है, कि यह सही है कि इस तरीके दे नाल बाकी जो होर नौजवान आने वाले ने आने वाली पीढ़ी है उन्हां दा किथे ना किथे मनोबल नहीं डिगूगा? बिल्कुल होया कि शिखा, असल दे विच मैच सीगा जिहड़ा भारत पाकिस्तान दा, जिवें सब नूं पता एशिया कप सीगा दुबई दे विच मैच सीगा, 18वां ओवर सीगा, तीजी गेंद सीगी ते जिहड़े रवि बिश्नोई ने उन्हां नूं ओह गेंदबाजी कर रहे हुंदे ने, कप्तान रोहित उन्हां नूं जिम्मा संभालदे ने, सामने क्रिकेटर हुंदे ने, बैट्समैन हुंदे ने आसिफ अली, ते इक शॉट खेड दिंदे ने, शॉट खेडदे ने, बॉल हवा च जांदी है ते जिहड़े क्रिकेटर अर्शदीप हुंदे ने ओह फील्डिंग कर रहे हुंदे ने, अचानक उन्हां दे हाथ दे विच बॉल आउंदी है पर छुट जाती है, कैच छुट जाता है, तो उस तो बाद 18वां ओवर हुंदा है, 18वें ओवर तो बाद 19वां ओवर है जिहड़ा ओह भुवनेश्वर नूं दित्ता जाता है, तो उस ओवर दे विच भुवनेश्वर कुमार 19 रन देंदे ने, 6 बॉलों च 19 रन, तो 20वें ओवर च तो 7 रन की लोड़ सीगी। तो हुण ट्रोल जिहड़ा है, निशाना जिहड़ा है, वह अर्शदीप सिंह नूं बनाया जा रहा है। पहली तो गल यह है भी कोई भी क्रिकेटर, कोई भी जिहड़ा खिडारी है, ये गल दसे कि जदों कोई मैच खेडिया जाता है कि किसी तो कदे अज तक कैच जिहड़ा है नहीं छुट्टिया, कि किसी तो अज तक कैच नहीं छुट्टिया, जां कि किसी ने मिसफील्ड नहीं किया हैगा, जां एक कैच दे नाल कि मैच हार गया इंडिया, ये भी सवाल है ना। जे पहले ओवर दे विच जदों 18वां ओवर सीगा उदों 26 रन चाहिए सीगे, तो उस तो बाद भुवनेश्वर भी तो 19 रन दे रहा, उसनू क्यों नहीं निशाना बनाया जा रहा? फिर मन लो आसिफ अली उस कैच दे विच जां उस बॉल दे विच कैच आउट हो भी जाता, वो तो अगला प्लेयर जे रन मार के चले जाता, फिर तुसीं की कहिंदे फिर किसने हराया मैच? मतलब जिहड़े मैच ने उहनू जित हार दे नाल तां खेड भावना दे नाल हुंदे ने जिहड़े मैच, इस नूं भारत पाकिस्तान नाल जोड़ना, फिर उस नूं खालिस्तान तक कह देना। देखो 150 करोड़ का मुल्क है अपनी जनसंख्या, उहदे विच्चों 11 प्लेयर ते आलोचना कौन कर रहे हैं जिन्हां ने शायद कदे ना क्रिकेट खेडिया होवे, ना उन्हां नूं बैट फड़न का पता होवे, ना उन्हां नूं बॉलिंग करन का पता होवे, ते सिर्फ एक सिख होण करके, तुसीं देखो कि मानसिकता किवें दी है, सिख होण करके कि वह पटका बंद है, वह पहलां वाले जिहड़े खिडारी पंजाब दे गए उन्हां दा तुसीं देख सकते हो है ना, किवें पटका भी बंद है, वह सरदार भी है, तो किवें हाले उसकी शुरुआत हुई है करीयर की, एडा वधिया बॉलर है, तो किवें उहनूं पहले दिन ही जे एक कैच छुट गया किवें ओवरऑल लैवल ते निशाना बनाया जा रहा, बहुत गलत है। ते विकीपीडिया ते भी कुछ अजिही एडिटिंग जिहड़ी कीती गई है जिस ते उन्हां दे नाम दे पिछे पहला नाम तो पहला खालिस्तानी जोड़ दिता गया। तुसी एक तो जिहड़ा नवीं पीढ़ी आ रही है उन्हां दा मनोबल गिराउण दी कोशिश कीती जा रही है, ये हेटरेट क्यों कीता जा रहा है? कि यह सिख होण दे करके हेटरेट दिता जा रहा है या फिर कोई होर कारण हो सकदे ने? ये शरारती आंसर हुंदे ने जिहड़े चाहुंदे ने कि जिहड़ी नफरत की भावना पैदा होवे, चाहे वह जिहड़े देखो सारे धर्म सत्कारयोग ने, चाहे हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है, कोई भी ईसाई धर्म, आपो अपने धर्म के हर एक परिपक् होना चाहिए तो सारे एक दूजे धर्मों का सत्कार करना चाहिए। हुण ये देखो मानसिकता की है, भी सिख मुंडा सीगा तो उन्होंने तुम खालिस्तानी कही जाने, इस करके मतलब ये कहण की कोशिश जी अंदरों गलबात यह है भी ये भारत वालों खेडता होया पाकिस्तान का साथ दे रहा है, ये कहना चाहते हैं सोशल मीडिया से जोड़े माड़े लोग ने, माड़ी मानसिकता के लोग ने, भी खेड तो भारत वालों रहा है पर साथ पाकिस्तान का दे रहा है कि उन्हें कैच छड़ता कि उधर मिल गया। तुसी देखो कि खिडारी तो इस ढंग शक करना, वो पिछे की मेहनत देखो तुम, अर्शदीप की एक आम घर का मुंडा, मैं तुम दसदा कि हुंदा की है, मैं उसकी हिस्टरी देख रहा है, इरफान पठान जदों बॉलिंग करता है पाकिस्तान के कराची च एक मैच सिगा 29 जनवरी 2006 उस मैच दे विच पहली उहदी इनिंग हुंदी है इरफान दी पठान दी, ते उह हैट्रिक मारदा मतलब 3 विकट्स लै लैंदा, ते कराची तो 1200 किलोमीटर दूर खरड़ दे विच घर दे विच बैठा उही मैच अर्शदीप देख रहा हुंदा, उदों इहदी उम्र 7 साल हुंदी है, तो उदों मन दे विच एक सुपना पैदा हुंदा कि मैं भी बॉलर बनना है, इरफान वर्गा बॉलर बनना है। इहदा जिहड़ा जन्म है अर्शदीप दा, ये मध्य प्रदेश च हुंदा, इहदे पिता जी CISF च सीगे, उन्हां दी पोस्टिंग फिर मोहाली हो जाती है, एक आम सधारण परिवार है,
हाउसवाइफ है मदर जिहड़े बलजीत कौर ने, फिर उत्थों सफ़र शुरू हुंदा जदों तुसीं क्रिकेट दे विच माहौल देखदे हो, लोग घरे बैठे मैच देखते हैं, वह मैच का असर इन्ना होया अर्श ते फिर गली मोहल्ले दे विच खेडिया। चार साल तक तो इहदी माँ उहनूं साइकल ते लिजा के अकैडमी तक लिजांदी रही। मतलब एक क्रिकेटर दे बनण दे पिछे बहुत लंबा संघर्ष हुंदा, बहुत वड्डी मेहनत हुंदी। जिवें असीं कहा करोड़ां लोकां दे विचों 11 बंदिआं ने चुणना ते उहदे विचों अर्श है, ते तुसीं माड़ी जी इक कोई गलती वी नहीं इहनूं कहा जा सकदा। देखो किन्ने अज तक महान क्रिकेटर जिन्हां नूं सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एम एस धोनी जां कपिल देव जां जिन्ने भी तुसीं नाम लवो, कदे उह जीरो ते आउट नहीं होए? की उहनां तों कदे कोई कैच नहीं छुट्टिया हैगा? मतलब ये सवाल है, जे एक मुंडे तो एक कैच छुट गया, हुण तुसीं देखो सारियां स्टेटमेंट्स आ रही ने ते हक च आ रही ने, पर सिर्फ थोड़े जे लोग जिहड़े ने सोशल मीडिया ते उहनूं निशाना बना रहे ने लगातार। पर लगता है कि कितने ना कितने इंडिया पाकिस्तान दे जदों भी मैच की गल आती है ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि होर कोई मैच भारती चाहे ना देखण, चाहे क्रिकेट प्रेमी ना भी होण, पर जदों भी इंडिया पाकिस्तान की मैच की गल हुंदी है ना, कितने ना कितने लोग कहते हैं कि नहीं भी इंडिया जितना चाहिए पाकिस्तान दे नाल। कुछ तरीके दे नाल मैनूं लगदा है कि इस इंडियन क्रिकेट जदों मैच दी गल हुंदी है तां मैनूं लगदा इंडियन क्रिकेट टीम दे उत्ते वी उस दौरान जिहड़ा प्रैशर इस तरीके दा बिल्ड हो जांदा कि नहीं ये मैच जितना ही जितना है, तां हो सकदा है कि उस प्रैशर दे दौरान या फिर कैच छुट गया होवे, मामूली जी गल है, क्योंकि कई क्रिकेटर्स दे वल्लों या फिर बाकी जिहड़े गेंदबाज ने या फिर खिडारी ने उहनां दे वल्लों बहुत वारी अजिहियां गलतियां होईयां होणगियां, पर सिर्फ एक ही जिहड़ा क्रिकेटर नूं जिहड़ा निशाने ते लैके आना, क्योंकि पूरी टीम जदों एक टीम जितती है तो पूरी टीम नू क्रेडिट दिता जांदा है, तो जदों हारी है तो सिर्फ एक ही बंदे नू क्यों टारगेट कीता जांदा है। देखो तुसीं ये बहुत वाजिब गल हैगी है कि एक बंदे करके कोई टीम हार सकती है, एक कैच छुट्टण करके कोई टीम हार सकती है, जिहड़े उहदे बाद दो ओवर गए ने तुसीं उहनां दा देख ही नहीं रहे। आसिफ अली जे खेड रहा सीगा, जे उहदा कैच छुट गया, हालांकि बाद दे विच विकेट लई भी है अर्शदीप ने, तुसीं देखो कि जे उहदा कैच छुट गया, मान लो जे उह कैच, फिर मैं कह रहा दोहरा रहा इस गल नूं, जे उह कैच कर भी लिया जांदा अगला खिडारी आ जांदा, फिर भी तां भुवनेश्वर कुमार ने 19 रन देते, वह भी तो जिहड़ा खराब एक गई है ना परफॉर्मेंस, पर उहदे ते तुसीं हुण किंतु परंतु करन दी बजाय सिर्फ अर्शदीप ते सारा जिहड़ा ठीक राय भन रहे हो कि कैच छुट गया तां करके। चलो कैच छुट भी गया ना, तो इंडियन टीम नूं कोई प्रॉब्लम हैगी, सारी उहदे नाल खड़ी है, तो बहुत सारे जिहड़े पंजाब दे लोक ने जां भारत दे लोक ने वह भी उहदे नाल खड़े ने, क्योंकि एक जिहड़ी जिहड़ा कोई मैच खेडिया जांदा है एक खेड भावना नाल खेडिया जांदा है, कितें भारतीय टीम कदे हारी नहीं हैगी, जां पहली बारी हारी है भारतीय टीम के अज पहली बारी हार गई, तो 100 सालों तो जितती आ रही थी, किहड़े देश तो नहीं हारे, जां किहड़े, देखो जित भी हुंदी है हार भी हुंदी, जदों तुसीं खेडदे हो तां जे दो मल खाड़े दे विच कहिंदे हुंदे ने तां इक ने तां टहना ही हुंदा ना, तो चाहे वह भारत जितदा चाहे वह पाकिस्तान जितदा, हाले हाल ही दे विच इक पहला मैच होया भारत उहदे विच जित्ते आए, अगले मैच च पाकिस्तान जित गया, हुण हाले होर मैच किहड़े खत्म हो गए, फिर इसे जिहड़ी एशिया कप चल रहा दोबारा मैच होण दी भी संभावना है, पर इहनूं भारत पाकिस्तान नूं एवें प्रेजेंट करना कि जिवें युद्ध हो रहा होवे, जिवें लड़ाई हो रही होवे, इह दरअसल कई बार TRP गेम्स हुंदियां ने चैनल्स दे थ्रू, मीडिया चैनल्स दे थ्रू, जां कई जथेबंदियों नूं इस तरह सूट करदा है। भारत पाकिस्तान 1947 दे विच वंडे गए, अड हो गए, पर कुछ जंगा भी हुईयां, चाहे वह 65 वाली 71 वाली जंग भी हुई है, पर हुण सानूं उह तों अगे वधना पऊगा ना, असीं उहनां नूं कट्टड़ दुश्मन समझ के खेड के मैदान के भी उन्होंने कट्टड़ दुश्मन समझते हैं कि नहीं जी, नहीं कि प्रैशर है फिर खिडारियों पर कि साडा ही देश जितना चाहिए, पाकिस्तान वाले भी तो लोग ने, वह भी तो कहते हो कि साडा देश जितना चाहिए है, हर एक खेड प्रेमी यही होंगे ना कि साडा देश जितते, पर उस जिहड़ा भी रिजल्ट आउंदा है उन्हें खिड़े मत्थे प्रवान भी करना चाहिए, ना कि फिर तुम खिडारियों पर इस तरह जिहड़े ब्लेम लाने, ये किस तक सही है, बहुत गलत रीत है। देखो खिडारियों पर अर्शदीप के परिवार से, अर्शदीप के अपने आप से, जां खेड प्रेमियों पर भी की बीतरी होगी कि तुसीं एक तरह के नाल उहनूं गदार कहण की कोशिश कर रहे हो, तुसीं इनडायरैक्टली उहनूं गदार कहण की कोशिश कर रहे हो कि खालिस्तानी कहता कि ये भारत तो वक्ख हो गया, जिवें भारत के अगेंस्ट हो गया, जिवें पाकिस्तान नाल मिल गया, पर अजिहा कुछ भी नहीं, एक जदों तुसीं खेड च हुंदे हो तां अचानक इस तरह दी चीज़ां हुंदियां ने। तुसीं गल कर रहे सी कि प्रैशर किन्ना होणा, उदों लास्ट ओवर सीगे ते जित हार दा सवाल बनया हुआ सीगा, क्योंकि बराबर चल रहा सीगा मैच, रोमांचक सीगा कि किहड़ी टीम जितदी है किहड़ी टीम जितदी है, अचानक वह बॉल आउंदी है ते कुदरती हो गया कि वह कैच जिहड़ा छुट गया, हालांकि चंगा गेंदबाज भी है अर्शदीप, ते इह जिहड़ियां चीज़ां ने इह हुंदियां रहिंदियां ने, पर उहनूं आ पहली बारी मैनूं लगदा इस तरह होणा कि उहनूं
खालिस्तानी तक कह देना, उन्हें ट्रोल करना, उन्हें यह कह देना कि पाकिस्तान ना मिल गया, ट्विटर भरिया पाया। पर शरारती लोग ने समझना चाहिए कि नफरत जी है खेड़ भावना के आनी नहीं चाहिए हैगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल इस मुद्दे उत्ते अपनी राय रखण दे लई। तां उम्मीद करदे हां कि तुहानूं इह वीडियो पसंद आई होवेगी। बाकी सारी अपडेट्स दे लई जुड़े रहो डेली पोस्ट पंजाबी दे नाल। ते हुण मैनूं यानी कि शिखा संधीर नूं दे दो इजाजत। धन्यवाद।